आदाब एवरीवन, खुश आमदीद कहती हूँ जुगनू दी लाइट में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हो जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर दें। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, गर्मियों में कैरियाँ आती हैं और कैरियों में कैरी का पन्ना, कैरी का अचार, कैरी का मीठा अचार, कैरी की चटनी, कैरी की मीठी चटनी। तो आज जो रेसिपी है वो हम बना रहे हैं कैरी का मीठा अचार। तो उसके लिए मैंने कैरियाँ ले ली हैं, ये मैंने धो के रख ली हैं, इनका पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इन्हें छीलूँगी और काटूँगी, और जो चीज़ें चाहिए वो भी आप देख लें साथ साथ। ये सब चीज़ें डालेंगी इसमें। सबसे पहले शक्कर डालेंगे, लहसुन की कलियाँ हैं जो मैंने छील के धो के रख ली हैं, अब इन्हें चॉप करूँगी। सूखा हुआ पुदीना लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्चें कुटी हुई ली हैं, थोड़ा सा पिसावा ज़ीरा लिया है, थोड़ा सा साबित ज़ीरा लिया है, कलौंजी ली है, अजवाइन ली है, थोड़ा सा नमक लिया है। ये सारी चीज़ें हम इस पे शामिल करेंगे। तो ये आपने अच्छे से देख ली, ये देख लें, ये देखें कैरियाँ मैंने काट ली हैं सारी छील के, ये प्याले में रखी हैं। ये देखें लहसुन भी मैंने काट लिए, चॉप कर लिए, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये देखें मैंने बर्तन रख दिए चूल्हे पे, चूल्हा जला के अब इसमें हम कैरियाँ डालेंगे। अब ये सारी चीज़ें एक साथ डाल देंगे। शक्कर मुझे थोड़ी कम लग रही है तो शक्कर मैं और मिलाऊंगी इसमें। ये देखें शक्कर मैं थोड़ी और डाल रही हूँ, ये देखें शक्कर मैंने और डाल दिए। चूल्हे की आंच मैंने आहिस्ता रखी है बहुत ही, ताकि ये जले ना, पानी इसमें बिल्कुल नहीं डलेगा। धीमी आंच रखनी है, उसी में ये पकेगी, और चम्मच से चलाते रहिएगा ताकि नीचे लगे ना। ये देखें शक्कर हमारी पिघलना शुरू हो गई है, चलाते रहेंगे हम इसे। ये देखें शक्कर हमारी सारी घुल चुकी है। ये देखें ये हमारी पकना शुरू हो गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें ये अभी गाढ़ा होगा, शीरा अभी बहुत ही पतला है, वैसे धीमी आंच पे ही पकाइएगा, बहुत ही धीमी आंच पे, वरना ये जलने लगती है, नीचे से लग जाएगी। तो इस बात का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है और चलाते रहना है चम्मच, स्टील का बर्तन है ना तो उसमें ज़रूर लगती है। ये देखें कैरियाँ भी हमारी अच्छे से पक गई हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, थोड़ा और गाढ़ा करूँगी शीरा, ये हमारा अच्छे से पक। ये देखें ये भगवाना बर्तन छोड़ना शुरू कर दिया, ये हमारा तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। ये कर अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये मैंने चूल्हे पर से उतार दिए, अब हम इसे ठंडा करेंगे। ये देखिए ये मैंने प्याली में निकाल लिया है, आप अगर चाहें तो मिर्चें अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, कम कर लीजिएगा, या अगर मिर्चें आपको नहीं डालनी है तो मिर्चें स्किप कर सकते हैं। तो ये हमारा मीठा अचार तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपनों के साथ रहें, अपनों के पास रहें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी रेसिपीज़ को इसी तरह पसंद करते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
शुक्रिया।